तो ये रूम आप लोग को कितना में मिला? 300 पर लोग 100। अच्छा, वेज अगर आपको खाना है तो 30 रुपीज में आपको भर पेट खाना दिख जाता है। अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं, एक रूम आपको मिल जाएगा सिर्फ 120 रुपीज में। अच्छा, और आप डबल रूम लेना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये है सिंगल बेडरूम, इस पे बेडशीट है, आपको यहाँ पे अच्छा से अच्छा गद्दा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पिलो तकिया मिल जाएगी, और ये भी काफी साफ सुथरा है, टाइल्स मार्बल इसमें लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हूँ मैं रांची में, और जैसा कि आप जानते हैं कि रांची हमारे महेंद्र सिंह धोनी का होम टाउन है, और साथ ही साथ हमारे झारखंड की राजधानी। तो जैसे आप बड़े टाउन में पहुँचते हैं तो आपके लिए एक मसला बन जाता है, वो ये होता है कि अच्छी जगह कहाँ पे मिले जहाँ पे हम रह सके और कम दामों में हमें अच्छी से अच्छी जगह मिल सके। क्योंकि ऐसे जो बड़े टाउन होते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह का सेंटर पड़ता रहता है, बहुत से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, तो ऐसे में आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होटल कहाँ मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। आज मैं आपको रांची का सबसे सस्ता होटल दिखाने वाला हूँ। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो अभी मैं हूँ रांची के रेलवे स्टेशन के पास, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है रांची का रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो अपने राइट में ना जाकर लेफ्ट में लीजिए। ये जो रोड है वो जा रहा है कांटा टोली चौक, और उसके लेफ्ट में ये है वो रोड जो जा रहा है गुरुद्वारा रोड की तरफ। तो आपको यही रोड लेना है, और आपको वॉकिंग डिस्टेंस लेना है, मतलब ये होता है कि 600 से 700 मीटर आपको चलना है और आपको वो होटल दिखने वाला है। और अगर आपको चाहिए सस्ता और अच्छा होटल, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है रांची स्टेशन, और अब मैं गुरुद्वारा रोड की तरफ चल रहा हूँ, और कुछ ही देर आपको चलना है तो आपको ये होटल दिख जाने वाला है, जहाँ पर आपको सबसे सस्ते और सबसे अच्छे होटल आपको दिखने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही मैं रांची आया तो मुझे लगा कि आपको ये होटल दिखाना चाहिए, क्योंकि बजट का मसला हर एक के साथ में होता है, और हर एक को एक सस्ता होटल चाहिए होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप घूम रहे हैं तो इन सब के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वो रोड है जो जा रहा है गुरुद्वारा की तरफ। और रांची की ये खासियत है, काफ़ी हरा भरा है। अगर आप पटना में देखेंगे तो आपको इतनी हरियाली नहीं दिखेगी, और अभी जब पटना में बहुत ही ज़्यादा जानलेवा ठंड है तो आपको रांची में धूप लग रही है, मतलब ये कि यहाँ पे धूप कड़ी है, और आप जैकेट वगैरह पहनेंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होने वाली है। और ये आप देख सकते हैं, अधिकारी विश्राम गृह है, मतलब ये कि रेलवे ऑफिसर्स लोगों के लिए क्वार्टर बना हुआ है यहाँ पे। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से आप निकलेंगे तो आपको हर जगह जगह पे इस तरह के रोड साइड होटल दिखने वाले हैं, जो आपको काफ़ी सस्ते में खाना अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पे 30 रुपीज़ वेज अगर आपको खाना है तो 30 रुपीज़ में आपको भरपेट खाना मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ जो है ना, जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं, जो कि कम्युनिकेशन है, जैसे कि ऑटो है, टोटो है, इन लोगों ने काफ़ी लूट मचा रखी है, काफ़ी महंगा होता है इन लोग का फेयर। जैसे रैपिडो वगैरह का भी जो फेयर है ना, वो पटना के कंपैरिजन आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गुरुद्वारा स्टेशन रोड, और अब थोड़ी दूर पर आपको वो होटल दिखेगा। हम लोग उस लोकेशन पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पे अगर इसकी प्राइम लोकेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये है पंजाबी ढाबा, ये रोड आपको क्रॉस करना होगा, ये है आपका पंजाबी ढाबा। और इस तरफ जैसे आप जाएंगे तो आपको होटल वगैरह दिखेगा। तो ये है प्रेमन लॉज, और ये मैनेजर साहब हैं। क्या नाम है सर आपका? अंशु सिंह। अंशु सिंह नाम है आपका। तो यहाँ पे कितने में रूम अवेलेबल है? सिंगल का 120 हो जाता है, और डबल का 200। तो अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं, एक रूम आपको मिल जाएगा सिर्फ 120 रुपीज में। अच्छा, और आप डबल रूम लेना चाहते हैं तो आपको 200 रुपीज में मिल जाएगा। Yes. और अगर आप तीन लोग एक साथ में लेना चाहते हैं तो 300 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह की समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में 120 रुपीज में अगर आपको सेपरेट रूम मिल जाता है तो यार ऐसा लगता है कि जैसे आप 10-20 साल पहले जी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये स्टेशन रोड पटेल चौक है,
और यहाँ पर एक होटल नहीं है, यहाँ पे आप इस तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे है होटल अवतार न्यू पटेल, आपको दिखाया मैंने। ये जो जगह है ना वो हब है, आप बेफिक्र होकर यहाँ पर आइए, आपको सस्ते से सस्ते में यहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा और आप रूम देखकर खुद ब खुद सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है सिंगल बेडरूम और यहाँ पे इस पर बेडशीट है, आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छा गद्दा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पिलो तकिया मिल जाएगी और यहाँ पे आपको कम्बल मिल जाएगी, और अगर ज़्यादा ठंडा लगता है तो आपको एक आध कम्बल और बढ़ा के मिल जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ठंड लग रही है तो आपको बढ़ा कर भी कम्बल मिल जाएगी, वैसे रांची वगैरह में ज़्यादा ठंड एक्चुअल में होती नहीं है। तो ये है आपका न्यू पटेल लॉज, तो इनसे बात करते हैं। रूम है जैसा, मतलब जैसा कम से कम में भी है, ज़्यादा से ज़्यादा में भी है, जैसा कस्टमर आ जाए वैसा उस हिसाब से। मतलब स्टार्टिंग कितने से होता है? स्टार्टिंग है 300 है, 400 है। तो स्टार्टिंग 300 से शुरू हो जाता है। वो चेकआउट और चेकिंग का टाइम क्या होता है? 24 आवर। मतलब आपको पूरा का पूरा 24 आवर्स मिल जाता है, है ना? तो थोड़ा सा रूम वगैरह दिखा देंगे सर। तो ये है आपका रूम नंबर 122। चलिए चलिए ना, आप रूम देख सकते हैं, काफ़ी क्लीनिंग है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीचे में फर्निश्ड है और यहाँ पे आपको ये बेड है जो कि डबल बेड मिल जाएगा आपको, ये अच्छा है। यहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाता है, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी वगैरह करना चाहते हैं तो ये टेबल आपको मिल जाएगा। और इधर में टॉयलेट है, लाइट चल रहा है उसमें? हाँ, लाइट चल रहा है। और इस तरफ है आपको, इस तरफ आपको मिलता है टॉयलेट जो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो ये है रूम, आप विद फैमिली भी रह सकते हैं। सर इसका क्या चार्ज है? इसका आप दो आदमी रहिएगा 400 रुपये। दो आदमी हैं तो 400 लगेगा, मतलब ये होता है कि पर पर्सन आपको 200 रुपीज़ मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप बाहर जब जाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होटल वगैरह देखने को मिलेंगे। ये है एक दूसरा रूम और ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, टाइल्स मार्बल इसमें लगाया गया है, काफ़ी हाइजेनिक लग रहा है। ये बेड देख सकते हैं, डबल बेड भी है। हाँ, डबल बेड है। और फैन वगैरह है, मतलब यहाँ पे आपको चार्जिंग वगैरह की सुविधा मिल गई है। यहाँ पे हैंड वॉश के लिए बेसिन आपको मिल जाएगा और डबल चार्जिंग पॉइंट है, एक यहाँ भी है और एक उस तरफ भी है, और सिर्फ 300 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, रांची एक ऐसा टाउन है जहाँ पे आप दूसरे होटल वगैरह लेने को जाएंगे तो आपको 800, 900, 1000 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 300 रुपीज़ में इस तरह की क्वालिटी, इस तरह की सफाई और इस तरह की क्लीनिंग मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के मैनेजर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कीजिए, और भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आप लोग स्टूडेंट हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं लोग? हम लोग धनबाद से आए हैं। तो एग्जाम वगैरह आपका है? कौन सा एग्जाम है? SSC JD का। अच्छा, SSC JD का एग्जाम है। आपका नाम क्या है? रंजीत गोप। आपका? शहबाज। आपका? राहुल कुमार। तो ये रूम आप लोग को कितना में मिला? 300 पर 100 पर लोग 100। अच्छा लगा, चीप एंड बेस्ट लगा, जैसा भी है कि मतलब हाँ, संतुष्टि के लायक है हमें कि रह ले। क्योंकि होता क्या है ना कि जब स्टूडेंट लाइफ में कभी आप धनबाद जाएंगे, कभी आप दिल्ली जाएंगे, कभी पंजाब जाएंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा बजट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है। और अगर बजट में आपको होटल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप जब भी रांची आते हैं, चाहे आप मतलब एक एग्जाम देने के लिए आते हो या फिर आप घूमने के लिए आते हैं, दिस इज द परफेक्ट प्लेस। और आप रहने के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ ये सबसे सस्ता मिलेगा। तो ये कुछ होटल्स आपको मैंने दिखाया, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जब भी आप रांची में आए तो आप बेफिक्र होकर, बिंदास होकर यहाँ पे आएँ और रूम लें। इस होटल का एड्रेस और साथ ही साथ यहाँ के मैनेजर का नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।